बच्चा प्रिया के ठीक सामने खड़ा था और प्रिया को घूर रहा था। तभी प्रिया ने गौर किया कि कमरे में हल्का हल्का धुंध होने लगा था, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वो बच्चा अब धुंधला सा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस धुएं में उसने देखा कि उस कमरे के चारों दीवारें सिकुड़ने लगी थी और कमरा छोटा होने लगा था। प्रिया ये देखकर डर गई और दरवाजे की तरफ भागी। दीवारें लगातार पास आ रही थी, जिसकी वजह से कमरे में फैले धुएं से प्रिया का दम घुटने लगा और वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर एकदम से उसे दरवाजे के उस तरफ से मॉम की आवाज सुनाई दी, जो प्रिया को ही बुला रही थी। प्रिया कहाँ हो? ये कमरे की लाइट्स कैसे ऑफ हो गईं? कौन है यहाँ? धीरे धीरे प्रिया की मॉम चीखने लगी, जैसे उन्हें कोई बुरी तरह चोट पहुंचा रहा हो। प्रिया ये सुनते ही एकदम घबरा गई। उसने बाहर निकलने के लिए छटपटाया। ये देखकर बच्चे ने उससे पूछा, बताओ माँ, किससे मिलने जाती हो तुम बार बार? तुम मुझे बड़ा होने से रोकना चाहती हो? प्रिया ने उसके आगे रोते हुए कहा, प्लीज अभी मुझे यहाँ से जाने दो। प्लीज, मेरी माँ तकलीफ में है। मैं किसी से मिलने नहीं जाऊंगी। तुम्हें हमेशा साथ रखूंगी और तुम्हें बड़ा होने से रोकने की कोशिश भी नहीं करूंगी। ये वादा है मेरा। तभी उस कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। प्रिया के वादे वाली बात के चलते उस बच्चे ने उसे जाने दिया। प्रिया भागकर अपनी माँ के कमरे में गई तो देखा मॉम सो रही है। प्रिया को समझ नहीं आया कि अगर माँ सो रही है तो चीखा कौन? ये चीखने की आवाज किसकी थी? प्रिया में अब वापस अपने कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई और वो डर के मारे वहीं मॉम के पास सो गई। प्रिया के लिए अगली सुबह नई जरूर थी, लेकिन जहन में सवाल अब भी वही थे कि आखिर उस बच्चे की ग्रोथ को कैसे रोका जाए। कुछ करने की कोशिश करो तो शैतान और बच्चा उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने लगता है। और एक परेशानी ये भी थी कि वो ये सारी बातें किसी से कह भी नहीं सकती थी और इन सवालों में उलझे रहकर अपनी नॉर्मल लाइफ भी रोक नहीं पा रही थी। उसने मॉम को प्रॉमिस किया कि वो नॉर्मल रहेगी और इसी के चलते आज कई दिनों बाद प्रिया ऑफिस के लिए निकली। प्रिया जब ऑफिस पहुंची तो सबसे पहले उसकी मुलाकात अपनी कलीग कामिनी से हुई। प्रिया को देखते ही कामिनी ने कहा, हे प्रिया, सो सॉरी फॉर योर लॉस, अब कैसी हो? प्रिया ने एक फॉर्मल मुस्कुराहट देते हुए कहा, थैंक यू कामिनी, मैं ठीक हूँ। सोचा थोड़ा काम में बिजी रहूंगी तो बेटर फील होगा, इसीलिए ऑफिस वापस से ज्वाइन कर लिया। कामिनी ने प्रिया को सपोर्ट करते हुए कहा, आई थिंक इट वॉज अ गुड डिसीजन। मेरी कभी भी कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना। आई एम जस्ट अ कॉल अवे एंड यू नो दैट, है ना? प्रिया मुस्कुराई और आगे बढ़ने को हुई कि तभी कामिनी ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछा, वैसे कुछ पता चला आदित्य के साथ ये सब कैसे हुआ और किसने किया, ये मर्डर? प्रिया ने कहा, नहीं अभी तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन एक इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सो लेट्स सी। प्रिया ने ये बात कह तो दी थी, लेकिन वो जानती थी कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिलेगा। कामिनी ने कहा, होप जल्दी पता चल जाए। ओके, अब जाओ, रंजन सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं, एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। प्रिया एक फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंघानिया ग्रुप में चीफ आर्किटेक्ट के तौर पर काम करती थी और कामिनी उसके साथ असिस्टेंट आर्किटेक्ट थी। प्रिया कामिनी को थैंक यू कहकर रंजन सर के ऑफिस में चली गई और कामिनी अपने केबिन में चली आई। कामिनी अपने केबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और अपने हाथ में पेपर वेट घुमाते हुए कुछ सोचने लगी। फिर उसने अपना फोन निकाला और एक बड़ा सा मैसेज टाइप किया। उसने फोन में इंस्पेक्टर कश्यप का नंबर स्क्रॉल किया और वो मैसेज उनके नंबर पर भेज दिया और मुस्कुराते हुए खुद से कहा, आई डोंट थिंक यू कैन एस्केप दिस प्रिया, जस्ट वेट एंड वॉच। वहीं दूसरी तरफ आदित्य के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन करते हुए इंस्पेक्टर कश्यप उसी जगह पर पहुंच गया जहां प्रिया डेमेलो से मिलने आई थी। इस वक्त वहां एक गली के बाहर कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कश्यप फौरन गली के अंदर घुसा तो वहां एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। ये आदमी वही था जो प्रिया को डेमेलो से मिलाने के बहाने गली में ले गया था और फिर उसने प्रिया के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। कश्यप को अपना वो कांस्टेबल वहीं पर खड़ा हुआ मिला।
कश्यप ने पूछा, कौन है ये सब, कौन है ये आदमी? कांस्टेबल ने कहा, सर मुझे यहाँ के एक दुकानदार ने बताया कि वो प्रिया मैडम इसी आदमी के साथ यहाँ गली में आई थी, और अब देखिए ये आदमी यहाँ कैसे बेहोश पड़ा हुआ है, इसका सर बुरी तरह से फट गया है। इस पर कश्यप थोड़ा इरिटेट होते हुए बोला, ओफो, लेकिन ये आदमी है कौन? कांस्टेबल ने जवाब दिया, सर इसका नाम जब्बार है और ये एक लोकल गुंडा है, पुलिस में इसका रिकॉर्ड भी है, ये कई बार जेल जा चुका है। ये सुनकर इंस्पेक्टर कश्यप को एक तेज झटका लगा। उसने बहुत ही हैरानी से कहा, तो क्या प्रिया यहाँ एक गुंडे से मिलने आई थी? इस पर कांस्टेबल ने फौरन कहा, अब ये तो पता नहीं सर, लेकिन उस दुकानदार का ये भी कहना है कि प्रिया मैडम उससे किसी डिमेलो नाम का आता पता पूछ रही थी। इंस्पेक्टर कश्यप का दिमाग एक पल के लिए घूम गया, फिर अगले ही पल उसने सवाल किया, डिमेलो? अब ये डिमेलो कौन है? कांस्टेबल ने थोड़ा हेजिटेशन के साथ जवाब दिया, पता नहीं सर, इस इलाके में डिमेलो के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। अब कश्यप मन ही मन कुछ कैलकुलेशन करने लगा, फिर अचानक उसकी आंखों में वही चमक आ गई। उसने कांस्टेबल से कहा, एक काम करो, इस जब्बार नाम के आदमी को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ, और जैसे ही इसे होश आए इससे डिमेलो का नाम पता उगलवाओ जरा। तभी कश्यप का फोन बज उठा। ये एक मैसेज नोटिफिकेशन था, वो भी किसी अननोन नंबर से। कश्यप ने फौरन वो मैसेज खोला और पढ़ने लगा, इंस्पेक्टर कश्यप, आदित्य मर्डर केस को तुम तब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक तुम उस मर्डर के पीछे के मोटिव को पता नहीं लगा लेते, और वो मोटिव मेरे पास है। मुझे कोई भी कॉल या मैसेज किए बिना सीधे मुझसे आकर मिलो। इसी के साथ उस मैसेज में एक नाम और एड्रेस भी लिखा था। इंस्पेक्टर कश्यप ने देखा कि वो नाम एक लड़की का था, कामिनी। कामिनी से बात करने के बाद प्रिया जब रंजन के केबिन में एंटर हुई तो प्रिया को देखते ही रंजन का चेहरा खुशी से खिल उठा। हालांकि उन्होंने भी पहले प्रिया से सिंपैथी जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने फौरन उनकी बात काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ सर, किसी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए ही आपने मुझे याद किया है, अदरवाइज आप मुझे कभी भी यूं फोन करके डिस्टर्ब नहीं करते। इस पर बॉस मुस्कुराते हुए बोले, आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस स्पिरिट प्रिया। ओके, तो अब सीधे काम की बात पर आते हैं। मेरे पास तुम्हारे लिए सचमुच एक स्पेशल और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है। इसी के साथ बॉस ने अपने लैपटॉप की स्क्रीन प्रिया की तरफ करते हुए कहा, एक पुराने खानदानी रईस हैं मिस्टर श्रीनाथ रॉय, हमारे ही शहर से थोड़ा दूर उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। वैसे तो वो एक बैरन लैंड है, एक बंजर जमीन, लेकिन अब मिस्टर रॉय उस पर अपने लिए एक रेसिडेंस, एक विला बनवाना चाहते हैं। ये सुनकर प्रिया ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, तो इसमें ऐसा क्या स्पेशल और एक्साइटिंग है? इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो हम पहले भी प्लान कर चुके हैं। इस पर बॉस ने मुस्कुराते हुए अपने लैपटॉप पर एक इमेज खोली। प्रिया ने देखा कि ये बहुत ही पुरानी सी हवेली की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी। बॉस ने कहा, जस्ट लुक एट दिस प्रिया, ये मिस्टर श्रीनाथ के पुरखों की हवेली थी। अंग्रेजों के जाने के बाद इसे गवर्नमेंट ने कैप्चर कर लिया था, और फिर ये बहुत ही खंडर हो गई तो इसे गिरा दिया गया। अब मिस्टर श्रीनाथ रॉय ठीक इसी तरह की हवेली दोबारा बनवाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है प्रिया कि हमारे पास उस हवेली का बस एक यही फोटोग्राफ अवेलेबल है, इंटीरियर का कोई भी मैप या कोई भी मेजरमेंट नहीं है। सो हमें सब कुछ इसी एक फोटोग्राफ के बेसिस पर प्लान और डिजाइन करना है। प्रिया को वो तस्वीर देखकर कुछ विजन आने लगे। उसकी आंखों के आगे कुछ अजीब सी इमेजेस आ रही थी। उसमें उसे वो शैतान दिख रहा था। उसके आगे कुछ लोग लाइन लगाकर खड़े थे। शैतान उन लोगों को एक एक करके हिप्नोटाइज कर रहा था, और उसके बाद वो लोग ज़ॉम्बीज की तरह रिएक्ट कर रहे थे। प्रिया भी उसी लाइन में खड़ी थी। वो जैसे ही शैतान के करीब पहुंचने वाली थी वो चिल्लाने लगी, नहीं नहीं नहीं। प्रिया को देख रंजन शॉक्ड रह गए। उन्होंने घबराते हुए प्रिया से पूछा, प्रिया व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? रंजन की आवाज सुन प्रिया का ध्यान टूटा। बॉस की इस बात पर प्रिया ने खुद को नॉर्मल करते हुए उस हवेली की इमेज को देखते हुए कहा, यस सर, आई एम फाइन। मैं ये पूछना चाह रही थी कि खंडर का कुछ हिस्सा तो अभी भी है इस जमीन पर? बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स राइट प्रिया, और इस हिस्से को आसपास के कुछ लोग हॉन्टेड भी बोलते हैं।
डोंट वरी, इसे हम तोड़वा देंगे और यहाँ के भूत को भी भगा देंगे। तुम बस डिजाइन पर फोकस करो। ये कहकर वो हंसने लगे, लेकिन प्रिया को पता नहीं क्यों इस बात पर हंसी नहीं आई। उसे ये प्रोजेक्ट एक्साइटिंग तो लग रहा था, मगर फिर भी वो उसे लेकर डाउटफुल रह रही थी। रंजन ने आके कहा, अगर मिस्टर श्रीनाथ रॉय को हमारा डिजाइन पसंद आ गया ना प्रिया, तो ये हमारे कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एंड आई नो कि तुम ये कर लोगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब जाओ, तुम्हारे केबिन में तुम्हारी टीम तुम्हारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। बाय द वे, कामिनी ने काफी अच्छा हैंडल किया टीम को, प्रिया ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। लेकिन सर, मुझे आपसे एक बात कहनी है। नो डाउट ये प्रोजेक्ट बहुत ही एक्साइटिंग है, लेकिन इस वक्त आप मुझे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ही दें तो बेहतर होगा, मेरे लिए भी और प्रोजेक्ट के लिए भी। आप मुझे कोई और प्रोजेक्ट दे दीजिए। रंजन ने सोचा नहीं था कि प्रिया मना करेगी। प्रिया बहुत एम्बिशियस थी, वो हमेशा से ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए एक्साइटेड रहती थी और अपना बेस्ट देती थी। इसीलिए रंजन चाहता था कि प्रिया ही इसे हैंडल करे। प्रिया ने रंजन के एक्सप्रेशंस को देखते हुए कहा, सर आप मुझे कुछ देर सोचने के लिए दीजिए। अगर मैं नहीं कर पाई तो हम कामिनी को लीड करने को कह सकते हैं और मैं उसे गाइड करती रहूंगी। रंजन ने कहा, ओके प्रिया, आई अंडरस्टैंड, प्लीज टेक योर टाइम। प्रिया रंजन के केबिन से चली गई। वो कामिनी के केबिन में गई तो उसे पता चला कि कामिनी को किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ गया। इधर इंस्पेक्टर कश्यप उस एड्रेस पर पहुंच गया जो कामिनी ने उसे मैसेज में सेंड किया था। वो शहर का एक बहुत ही पुराना कॉफी हाउस ब्लू बर्ड कैफे था। इंस्पेक्टर कश्यप यहाँ पर अकेला नहीं आया था, उसका असिस्टेंट भी साथ में था, जो इस वक्त कॉफी हाउस से थोड़ा दूर अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। कश्यप जब कॉफी हाउस में एंटर हुआ तो उसे वहां पर 4-5 लोग ही दिखाई दिए। दूर कोने में खाली टेबल पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने अपनी आंखों पर डार्क शेड्स पहने हुए थे और एक स्कार्फ को इस तरह कैरी किया था कि उसका चेहरा उससे थोड़ा छिप गया था। कश्यप फौरन समझ गया कि यही कामिनी है। वो कामिनी की तरफ पड़ गया। कश्यप को अपनी ओर आता देख वो लड़की एकदम से अलर्ट हो गई। कश्यप उसके सामने वाली चेयर पर बैठता हुआ बोला, हेलो कामिनी, आई एम इंस्पेक्टर कश्यप। लेकिन उस लड़की ने उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए कहा, फॉर्मेलिटी में टाइम वेस्ट मत करो इंस्पेक्टर, और सीधे पॉइंट पर आओ। इसके बाद उसने अपने बैग से एक फाइल निकालकर कश्यप की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें वो सब जरूरी सबूत हैं जो तुम्हें चाहिए, और तुम अगर चाहो तो इन सबूतों की इंक्वायरी भी कर सकते हो। इंस्पेक्टर कश्यप उस लड़की के इस स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर पर थोड़ा सा हड़बड़ा गया। वो अपने हाथ में फाइल लेते हुए बोला, लेकिन आप हैं कौन और आपका इस केस में क्या इंटरेस्ट है? इस पर कामिनी थोड़ा इरिटेट होते हुए बोली, फिर से ये सब बेकार के सवाल मत पूछो। मैं कौन हूँ और मेरा क्या इंटरेस्ट है, इट डजंट मैटर एट ऑल। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी बात ये है आदित्य के कातिल को पकड़ना, और मैं जानती हूँ कि तुम कातिल के काफी करीब पहुँच चुके हो, लेकिन जब तक तुम्हारे पास इस बात का कोई स्ट्रांग प्रूफ नहीं होगा कि उस कातिल ने आदित्य का कत्ल क्यों किया, तब तक तुम उसे सजा नहीं दिलवा पाओगे, और वो सारे सबूत इस फाइल में मौजूद है। कामिनी की इस बात पर इंस्पेक्टर कश्यप से अब कुछ भी कहते नहीं बना। उसने चुपचाप वो फाइल खुली और उसमें मौजूद डॉक्यूमेंट्स को सरसरी तौर पर देखने लगा। लेकिन तभी उसके सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट आया जिस पर नजर पड़ते ही कश्यप बुरी तरह से चौंक उठा। हैरानी में उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इट्स इम्पॉसिबल, उसने कामिनी की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है, ये तो एकदम नामुमकिन है। लेकिन कामिनी बहुत ही इत्मीनान के साथ एक सिगरेट सुलगाते हुए बोली, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि तुम खुद इन सबूतों की इंक्वायरी कर सकते हो, तुम्हें सच्चाई अपने आप पता चल जाएगी और तुम्हें वो स्ट्रॉन्ग मोटिव मिल जाएगा जिसके बेसिस पर तुम आदित्य के कातिल को उसके गुनाहों की सजा दिलवा सकते हो। ये सुनकर इंस्पेक्टर कश्यप ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर वो वहां से उठा और तेजी से दौड़ता हुआ कॉफी हाउस से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने अपने असिस्टेंट को आवाज लगाई, उसने फौरन गाड़ी स्टार्ट कर दी। कश्यप गाड़ी में बैठते हुए बोला, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल चलो। असिस्टेंट ने गाड़ी बढ़ाते हुए पूछा, क्या हुआ सर, कोई एडमिट है क्या वहां? एडमिट है नहीं, एडमिट था, कश्यप ने कहा, बल्कि थी वो लड़की प्रिया।
उसने अभी कुछ दिन पहले उस हॉस्पिटल में एक बच्चे का अबॉर्शन कराया था। व्हाट? ये सुनकर असिस्टेंट बहुत ही हैरानी से कश्यप का चेहरा देखने लगा। वहीं प्रिया आज अपने ऑफिस से जल्दी ही घर आ गई थी, क्योंकि उसके पास ज्यादा काम नहीं था और ना उसका काम करने में मन था। वो सबसे पहले सीधा अपनी माँ के रूम में गई। माँ की तबीयत अभी भी वैसी ही थी। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिन और रेस्ट करने को कहा था। प्रिया ने माँ को हक करते हुए पूछा, कैसी हो माँ? माँ ने प्रिया के फोरहेड को चूमते हुए कहा, मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन तू ये बता कि तेरा ऑफिस में दिन कैसा गुजरा? प्रिया ने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा, दिन तो अच्छा भी था मॉम, एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट भी मिला है, एक पुश्तैनी हवेली का। बस सोच रही हूँ उस पर काम शुरू करूँ या नहीं, क्योंकि मॉम अगर मैं से ठीक से नहीं कर पाई तो। प्रिया की बात पूरी होने से पहले ही माँ ने उसे रोकते हुए कहा, तू कब से ऐसा सोचने लगी? तूने तो हमेशा से ऐसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, यूं ही थोड़ी ना तेरे डैड तेरे फैन थे। तूने कल ऑफिस ज्वाइन करने का इतना बड़ा डिसीजन लिया और अब तुझे ये प्रोजेक्ट भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुझे अपनी एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग बेटी फिर से देखनी है, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बट मॉम, दिस प्रोजेक्ट इज ह्यूज। रंजन सर कह रहे थे कि अगर श्रीनाथ रॉय का ये प्रोजेक्ट क्रैक कर लिया तो ये पूरी कंपनी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। प्रिया ने जब ये कहा तो उसकी माँ थोड़ा सोच में पड़ गई। प्रिया माँ को सवालिया नजरों से देखने लगी तो माँ फौरन खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है बेटा, अगर तू कंफर्टेबल नहीं है तो अभी मत कर। बेटा तू काफी थकी हुई लग रही है, जाकर रेस्ट कर, हम बाद में बात करेंगे। प्रिया को अब हैरानी हुई कि आखिर माँ को अचानक क्या हो गया, लेकिन चाहकर भी प्रिया ये सवाल माँ से पूछ नहीं सकी, क्योंकि वो माँ को जरा भी स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। वैसे प्रिया के मन में अपने डैड को लेकर बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उसने इस वक्त माँ से कोई भी बात करना ठीक नहीं समझा। प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ओके मॉम, टेक केयर। इसके बाद वो माँ के रूम से बाहर आ गई। प्रिया के जाने के बाद उसकी मॉम ने बड़ी मुश्किल से बेड से उठने की कोशिश की और अपने रूम का दरवाजा लॉक किया। उन्होंने फिर अपनी अलमारी में बने सीक्रेट लॉकर को ओपन किया और उनमें से एक डायरी निकाली। उस डायरी में कई सारे नाम लिखे थे। काफी पेजेस पलटने के बाद प्रिया की मॉम एक नाम पर रुकी, श्रीनाथ रॉय। उस नाम पर रेड इंक से बड़ा सा क्रॉस किया हुआ था। ये देखकर प्रिया की मॉम कुछ सोचने लगी। वहीं प्रिया रूम से बाहर आकर अपने लिए कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनाते हुए वो ये सोच रही थी कि आखिर मॉम ने अजीब तरीके से क्यों रिएक्ट किया। उसने तो मॉम से बस इतना ही कहा कि एक पुश्तैनी हवेली का प्रोजेक्ट है मिस्टर श्रीनाथ रॉय का। तभी उसे ख्याल आया कि कहीं मॉम ने श्रीनाथ रॉय का नाम सुनकर अजीब रिएक्ट तो नहीं किया। लेकिन क्यों? कल मॉम डैड के अधूरे काम के बारे में बताते बताते रुक गई और आज श्रीनाथ रॉय पे ये रिएक्शन, कहीं इनमें कोई क्लू तो नहीं है? ये सोचते हुए वो सीधा अपने बेडरूम में घुस गई और गैस ऑन ही रह गया। अपना लैपटॉप ऑन करने के साथ ही प्रिया ने अपने आप से कहा, जस्ट लीव एवरीथिंग बिहाइंड प्रिया एंड चेक ऑल द डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट राइट नाउ। अब वो अपने लैपटॉप पर उसे श्रीनाथ रॉय वाले प्रोजेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करने लगी। उसने सब कुछ पढ़ा, उस हवेली की हिस्ट्री, उनके ओनर्स की हिस्ट्री, श्रीनाथ रॉय के बारे में। वो बार बार वहां की नई पुरानी तस्वीरों को देखने लगी। तभी उनमें से एक तस्वीर पर वो रुक गई। ये तस्वीर उस जमीन की कोई बहुत पुरानी सी तस्वीर लग रही थी। उस तस्वीर में जमीन के आगे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर जमीन के ओनर का नाम लिखा हुआ था। वो एग्जैक्टली पढ़ तो नहीं पा रही थी कि उस पर क्या नाम लिखा था, क्योंकि तस्वीर में वो बोर्ड टेढ़ा मेढ़ा सा था और उस पर सनलाइट भी आ रही थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर रणविजय कपूर उसके डैड का नाम लिखा हो। क्या ये सच में उन्हीं का नाम है या कोई इत्तेफाक? प्रिया ने डिसाइड कर लिया कि उसे ये प्रोजेक्ट करना है। वो तुरंत अपने बॉस को मैसेज करने लगी। तभी उसे ख्याल आया कि उसने गैस ऑन ही छोड़ दिया था और इस बात को 2 से 3 घंटे बीत चुके थे। वो भागकर किचन की तरफ गई। उसने देखा कि किचन के प्लेटफॉर्म पर आग लग गई थी जो कि धीरे धीरे ऊपर बने कपबोर्ड्स में भी फैल रही थी। प्रिया ने अपना जैकेट निकाला और आग बुझाने लगी। उसने अपनी जैकेट से जोर जोर से आग पर मारना शुरू कर दिया।
तभी अचानक से ही पीछे से किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली और वो प्रिया को आग की तरफ धकेलने लगा। वो बुरी तरह घबरा गई। उसने देखा कि ये हाथ जाने पहचाने थे। ये उस शैतान के हाथ थे। उस शैतान ने प्रिया की गर्दन पर अपने हाथ कसते हुए गुस्से से कहा, मेरी लगाई आग को बुझाना चाहती है? हाँ, नहीं बुझा पाएगी, इसीलिए जो तू ढूंढ रही है उसे ढूंढना बंद कर, वरना। प्रिया अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर छुड़ा नहीं पा रही थी।